हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं जो बैंगलोर आई हूँ, दूसरे दिन का व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि अभी यहाँ का जो वेदर है, मेरा तो हालत ख़राब है गाइस। सच बोलूँ तो मेरी तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखा है, बट आज बहुत सही है, बहुत सही है। तो मैं व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं कर रही हूँ आज, ये कल परसों वाला है। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे बना रहे हैं सुबह सुबह का ही टाइम है चाय, क्योंकि हम लोग को ना बहुत सारी क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि दो सालों से हम लोग यहाँ पर नहीं थे, तो एकदम घर बंद बंद, तो पता है क्या हालत होती है। और सभी कपड़े वगैरह सारे बंद बंद, जल्ला कहते हैं ना, वो अलमारी में जल्ला लग गया था, ऐसा हालत हो गया था। तो सभी कपड़ों को निकाल के जितना हो पाया मैंने वॉश करा है और अभी रख दिया है, जितना हो पाया मैंने उतना ही वॉश करा है। तो मैं उनको बता रही हूँ, कुछ पूछ रहे थे कि चाय बनाने के लिए जा रहे थे, तो पूछ रहे थे कहाँ पे क्या रखा है, क्योंकि अभी हम लोग कुछ भी राशन लेके नहीं आए हैं, तो एक दो दिन के बाद ही हम जाएंगे राशन लेने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक हो जाती है तभी। तो उसके बाद यहाँ पे ये बना रहे हैं चाय, तो फिर अभी चाय बना के जस्ट हम लोग मेन बेडरूम की क्लीनिंग हो गई है, किचन की हो गई है, हॉल की थोड़ी बची हुई है, तो वो सभी क्लीनिंग करके थोड़ा सा कहते हैं ना, साफ़ सफाई हो जाता है घर। तो चलो अब बाहर की चीज़ें देखते हैं कि बाहर से क्या लाना है, क्या करना है। तो फिर हम लोग जाएंगे, अब संडे को हम लोग सोच रहे थे कि ये जाएंगे, और आज है सैटरडे, तो हम लोग कल जाएंगे डी मार्ट या फिर नियर बाई जो भी स्टोर है वहाँ से लेंगे राशन वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके और यहाँ पे थोड़ा क्लीनिंग कर रहे थे हम लोग, और ये सभी मेरे बेबी का टॉयज़ है। तो फिर अब तो बड़ा हो गया है, लेकिन जब मैं छोटा था तभी टॉयज़ लिया था, तब का रखा हुआ है। तो हम लोग सब निकाल कर, ये पेपर मेरे हस्बैंड सब सही कर रहे हैं। ये देखो साड़ी वगैरह मैंने कुछ जो थे डेली यूज़ के वो मैंने धो के ऐसे रखा है। और ये हॉल हॉल में हम लोग बैठे हैं, हॉल की सफाई कर रहे हैं, और ये पेपर सभी हमने निकाला है जो मतलब मीन्स लाइक डेली लेते थे ना उस टाइम पेपर, तो ये पेपर सभी ज़्यादा हो गया था, तो वो सभी अच्छे से रख रहे हैं सभी पेपर वगैरह को। और मैं साइड बाय साइड इधर किचन का भी काम देख रही हूँ। और हमारे पास ऐसा है ना कि जब वो हम दोनों तीन हम दोनों और मेरे बच्चे तीन लोग ही यहाँ पे हैं, तो हम लोग मिल बांट के कर रहे हैं काम। और मैं इधर खिड़की को भी ओपन कर दूँगी, क्योंकि बंद बंद घर ना थोड़ा अजीब सा स्मेल आने लग जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे सभी टॉयज़ को एक जगह में रख के बास्केट में रख देंगे, क्योंकि मेरा एक और छोटा बेबी है, तो वो फिर उसे भी चाहिए, तो उसे भी वो क्या करता है, सभी टॉयज़ को नीचे लगा दे, गिरा देगा और फिर खेलेगा। तो मैं सभी बास्केट में ही रख दूँगी, पता है बच्चों का घर तो ऐसे ही होता है, उसे बास्केट में रख दूँगी, और ताकि मेरा बेबी अपना उसमें से ले कर आराम से खेले। सो गाइज, आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा कैसा लगता है ज़रूर बताना। ये मेरा न्यू चैनल है एंड प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी। और मेरे हस्बैंड कुछ बातें भी कर रहे थे, और क्योंकि काम करते करते इतना वक्त हो गया था कि मुझे लंच भी प्रिपेयर करना था, तो फिर मैं अभी यही सोच रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी ये सभी देख लेती हूँ, क्या रखने वाला है, क्या फेंकने वाला है, देन उसके बाद मैं कचरे में डाल दूँगी, और थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो क्या गाइज, बैंगलोर आने के बाद में मेरा ये सेकेंड या थर्ड व्लॉग होगा आपके साथ में जो शेयर कर रही हूँ, और हो सकता है इन बिटवीन अभी बीच में एक दो दिन व्लॉग नहीं आए गाइज, माइंड मत करना, क्योंकि मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं है। ये देखो मेरा बेबी इतना बड़ा सा बास्केट उठा के साइड रख रहा है, ये भी मेरा बेबी भी हेल्प कर रहा है हम लोग का। और अगर नहीं मैं अपलोड करूँ तो गाइज़ बुरा मत मानना, क्योंकि मैं बोलूँ बहुत सारा चीज़ें अभी ऐसे ही रखा हुआ है। मैंने बोला अभी हस्बैंड को अभी क्लीनिंग मत कीजिए, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और डस्ट वगैरह होगा तो और ज़्यादा मेरे को एलर्जी है उससे, और ज़्यादा स्नीजिंग वगैरह होने लग जाएगा। तो कल तो बहुत ज़्यादा था, आज तो बहुत सुधार है, इसलिए आज मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। कल मैंने अपलोड नहीं किया था, इसीलिए वीडियोज़ में शूट ही नहीं किया, तो मैं क्या एडिट करती। बट ये वाला मैंने शूट करा था, लेकिन उसके बाद ही मेरी लास्ट 2 डेज से बहुत तबीयत ख़राब थी, बट अभी ठीक है। तो मैं करूँगी आप लोग के साथ में, अच्छे अच्छे ब्लॉग भी लाऊँगी, और आई होप कि आप लोग पसंद करोगे। सो गाइज़, आपको मेरा नया इस चैनल का नया चैनल है मेरा, इसका ब्लॉग कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, तो मैं यहाँ पे देखेंगे छोटी छोटी चीज़ जो होती है ना, वो सभी हटा हटा के मैं रख रही थी, यही हाथ में मेरा कचरा है, तो मैं ये सभी जा कर के रख दूँगी और एक जगह में, क्योंकि मेरे जो सेफ्टी पिन्स वगैरह, मेरे क्लिप वगैरह ये सभी रखे थे, तो ऐसे ही रखा था, क्योंकि मैं जब गई थी तब बहुत हड़बड़ी में गई थी, उस टाइम मैंने सभी चीज़ अरेंज भी नहीं किया था,
तो अभी हमें मिल रहा था, मैं हाँ सोचा कि चलो मैं सब को अरेंज कर लेती हूँ, एक तरह से रख देती हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे मैं लंच के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, आई मीन लंच के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, ये गोभी कट कर रही हूँ। और क्योंकि आज बनने वाली थी मेरे घर में सब्जी आलू गोभी की, और चावल दाल बनने वाला था एंड पापड़, तो मैं यही कर आज अभी यही कर रही हूँ। और ये मेरा बेबी है जो कि बस ऐसे बैठा है, और ये भी कैमरे की तरफ ही देख रहा है और दिखा रहा है कुछ है यहाँ पे उसके हाथ में। और मैं यहाँ पे प्याज यूँ कट कर रही हूँ, मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, बट गाइस आपको लगे कि मैं फटाफट से कट कर रही हूँ, बट नहीं, ये फास्ट फॉरवर्ड किया है मैंने। और मैंने उसको बोला कि ये सभी को रखो, इसको कचरे में फेंकने वाला है, सबको लिए हैं हाथ में मेरा बेबी, तो मैं वही बोली कि रखो एक जगह। तो वो मुझे कुछ बोल रहा है मेरा बेबी और हंस भी रहा है। सो बेसिकली गाइस बैंगलोर में मैं आ चुकी हूँ अभी ससुराल से, और अब मैं चाहूँगी कि मैं कोशिश करूँगी मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोग के साथ में शेयर करूँ। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, सपोर्ट मी, मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एंड शेयर भी करना मेरे वीडियोस को आप लोग। और आप देखेंगे पीछे गद्दा वगैरह है, तो हाँ सिंगल बेड का ये गद्दा है जो कि हमने सुखाने के लिए बाहर निकाल के रखा है, और क्वीन साइज बेड का गद्दा भी हमने नहीं सुखाया अभी, कुछ भी नहीं, जितना भी क्लीनिंग बचा है वो सभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ब्लॉग के द्वारा। बट अभी नहीं, अभी मेरी तबीयत ठीक होती है उसके बाद ही मैं कर पाऊँगी शेयर। सो आई डोंट नो इसके बाद मैं कब ब्लॉग डालूंगी, मेरी तबीयत ठीक रहेगी नहीं रहेगी, मैं क्योंकि मैं अभी कुछ भी काम मुझे करने नहीं देते कि बोलते नहीं तुम रेस्ट करो, तो मैं जब काम ही नहीं करती हूँ तो मैं क्या आप लोग के साथ में ब्लॉग शेयर करूँगी। और ये आफ्टरनून का होता है जबकि मैं खा के थोड़ा रेस्ट करती हूँ। अब देखो कितने सारे कपड़े हैं जो कि मैं छत से लेके आई थी, और तो मैं ये दिखा रही हूँ कि मैं अभी फोल्ड नहीं करूँगी, मैं शाम को ही फोल्ड करूँगी ये सभी कपड़े, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो गई थी और इवनिंग का ये वक्त हो गया है। तो मैं अभी चाय बना के उनके रखी थी, तो आएंगे अपने चाय लिए जाएंगे पीने के लिए। सो गाइस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा।